गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा लेकर आई है कुछ आपके ही पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर जो रिलेट करते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे वजाइना से, गर्ल्स टॉक जिसे हम कहेंगे। इनफैक्ट मैं इसे गर्ल्स टॉक बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप बॉयज हैं तो भी आपको देखना जरूरी है, बिकॉज आजकल की जनरेशन इनफ मैच्योर है, ठीक है। तो इसको बैडली लेने की जगह आप गुड पर्पस से लें, कि अगर आपकी डॉटर है वो बड़ी होती है तो उसको आप गाइड कर सकते हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं सपोज, या फिर आप अपनी वाइफ को गाइड कर सकते हैं, अपने सिस्टर को गाइड कर सकते हैं, तो उसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है। बल्कि अगर आप मेरी इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ, आगे किसी को गाइडलाइन दे पाएँ, तो मेरे लिए सबसे बेटर चीज़ यही होगी, जो मेरा इस वीडियो का पर्पस है बेसिकली। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्यू एंड ए। अब बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें किस टाइप के अंडरगार्मेंट्स वेयर करने चाहिए। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, या सपोज आप कोई पूल पार्टी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे फैशनेबल अंडरगार्मेंट्स पे स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अपने डेली यूज में आपको हमेशा कॉटन के अंडरगार्मेंट्स पहनने चाहिए। वो क्यों पहनने चाहिए, इसलिए तो अगर आप कॉटन के अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं तो वो ब्रीदेबल होते हैं। ब्रीदेबल से बेनिफिट क्या होता है कि जब समर्स हो या विंटर्स हो, तो जो नेचुरली हमारे उस प्राइवेट एरिया पे जो स्वेट होता है, और स्वेट से क्या होता है, बैक्टीरियाज हमारे ज्यादा पनपते हैं, तो कॉटन पैंटीज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं आपके स्वेट को, आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश फील करती है, बैक्टीरियाज नहीं होने देती है, और आपकी एक हाइजीन मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप किसी इन्फेक्शन से अगर बचना चाहते हैं, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं हो ये चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉटन अंडरगार्मेंट्स में जरूर स्पेंड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने प्यूबिक हेयर्स को किस तरह से रिमूव करें, क्या बेटर ऑप्शन है, और अगर हम कोई भी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, सपोज हम टीन एज में हैं, और तब हमें ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि हमें मम्मा या सिस्टर्स गाइड नहीं करते हैं ऐसे टाइम पे, तो हम किससे पूछें, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। प्यूबिक हेयर्स बहुत ही नेचुरल है, इससे बिल्कुल भी आपको शाय फील करने की जरूरत नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के प्रॉब्लम्स होती है, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, जैसे हमारे बाकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, सेम आपके प्राइवेट पार्ट पे भी हेयर्स होते हैं। तो अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप ट्रिमिंग करें। ट्रिमिंग के लिए मशीन्स आती हैं, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, या फिर सीजर से ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिमिंग इसलिए बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि जब हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं हेयर्स, तो आपके वहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हेयर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंफेक्शन से, जो भी आपका स्वेट से, चाहे बैक्टीरिया बन रहे हो या धूल मिट्टी से बन रहे हो या वेदर चेंजेस की वजह से हो, ठीक है, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉपर क्लीन चाहिए, तो आप सेकेंड ऑप्शन आजमा सकते हैं, वो है शेविंग। शेविंग का भी प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, तो आपको बहुत ही आराम से शेव करना है, बहुत ही डेडिकेटेड वे से शेव करना है, ताकि आपको कोई भी कट या इंजरी ना हो। साथ में जब भी आपको शेव करना है, तो हेयर्स की डायरेक्शन में आपको शेव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप शेव करते हैं, तो आपके वहां पर इनग्रो हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर्स बहुत हार्ड आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपके वो हेयर ग्रो करने लगते हैं, तो आपको वहां पे ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन होता है वैक्सिंग, जिसको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि वैक्स जो होता है वो प्रोसेस इतना हार्ड होता है कि आप अगर जब अपने स्ट्रिप को रिमूव करेंगे, तो आपके वो जो एरिया होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है जो आजकल टीनेजर स्पेशली आजमा रहे हैं, क्योंकि उससे ये बात बेनिफिट होता है कि जब आप वैक्स करते हैं तो 1 महीने तक आप फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए अगर आपने ठीक से वैक्सिंग नहीं करी है, तो ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस आजमाते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बात आ जाती है कि आपका जो वेजाइना है उसको किस तरीके से हम क्लीन करें। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो वेजाइना है वो ऑलरेडी एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, जो अपने आप से उस ऑर्गन को क्लीन करता है, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव पीएच लेवल्स होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे वेजाइना को क्लीन करने का प्रोसेस करते हैं। गुड बैक्टीरियाज होते हैं, हमें उनको एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी किसी भी चीज से क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप सोप भी यूज कर रहे हैं या कोई इंटीमेट वॉश आप यूज कर रहे हैं जो आप एडवर्टीजमेंट से स्पेशली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसको आपने अपने इंटरनल वॉवल में उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। एक्सटर्नली आपने उसको क्लीन करना है, चाहे वो सोप हो या कोई भी वॉश हो, उससे आप क्लीन कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपके वो इंटरनल ऑर्गन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बाहर से उसको जैसे भी क्लीन करें, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप गर्म पानी लें, कोई भी सीजन हो, विंटर्स हो या समर्स हो, और आराम से जाएं बाथरूम में जाके अपने उस एरिया को 2-3 टाइम्स पूरे डे में क्लीन करें। इससे बेटर क्या होता है, जब आप उसको अच्छे से 2-3 बार क्लीन करते हैं तो आपके स्मेल प्रॉब्लम नहीं होती, बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि समर्स हो या विंटर्स हो, स्पेशली समर्स में जब हम पैंटी वेयर करते हैं तो हमारा वो जो स्किन होता है, चाहे हम कॉटन की पहने, बट नॉर्मल से भी ज्यादा स्वेट हमारे उस एरिया में होता है, क्योंकि वो प्रॉपर लॉक रहता है ऑल टाइम, तो इसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते हैं, इन्फेक्शन, ईचिंगनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स को। अगर आपको थोड़ी सी ईचिंगनेस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ घंटे बाद उसको वॉश करें, क्लीन करें, टॉवल से अच्छे से पैड ड्राई करके रखें, वहाँ का टॉवल अलग से आप छोटा टॉवल बनाकर रखें। लेकिन इन केस अगर आपका ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आप उसको स्क्रैच करते रहते हैं बार बार हर थोड़ी देर में, तो डेफिनेटली आपको आपके गायनेक से ज़रूर कंसर्न करना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोगों का क्वेश्चन होता है वाइट डिस्चार्ज से लेकर के, वाइट डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मल है, हम लोग जो टीन एज होते हैं, स्पेशली गर्ल्स होती हैं, जब वो इस एज में आती हैं तो उनको जब वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं कि क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मम्मा से बात करें या किसके पास जाए, समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें शान करते हैं, तो बेसिकली ये बहुत नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज हमारी बॉडी का जो उस ऑर्गन का क्लिंजिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमें डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अगर वो एक्सेस हो रहा है तो आप नोटिस करिए कि आप इस टाइप की कुछ चीजें तो नहीं देख रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने बहुत ज्यादा चीजें इस टाइप की इंक्लूड तो नहीं कर दी है, क्योंकि हमारे वो बेसिकली हमारे माइंड पे जो हम सोच रहे हैं उस सोच पे भी ज्यादा डिपेंड करता है। अदरवाइज नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होना सबके साथ होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज किसी डिफरेंट कलर का है, सपोज वाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो येलो है, ग्रीन है या फिर मेहरूनिश कलर का है, तो डेफिनेटली आपको अपने गायनेक से कंसर्न जरूर करना चाहिए। इन केस अगर आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो वो होता है कब, क्योंकि जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो हमें बहुत एक्सेस जो होता है वाइट डिस्चार्ज होता है, तो भी मत घबराइए, बिल्कुल नॉर्मल है। आप पैंटी चेंज करें, वॉश करें, देन उसके बाद दोबारा से आप फ्रेश पैंटी वेयर कर सकते हैं, तो इससे बिल्कुल भी मत घबराएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आजकल हम में से बहुत सारे लोग लिविंग में रहते हैं बिफोर मैरिज, तो हमारे साथ में जब हम किसी अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने के बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा उस एरिया पे ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, स्मेल की प्रॉब्लम आने लगती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जब हम इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ में तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सेस स्वेट होता है, जो स्वेट होता है उससे इंस्टेंट हमारे वहाँ पे बैक्टीरिया आने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया को जब हम वॉश आउट नहीं करते हैं या वॉशरूम यूज़ नहीं करते हैं तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर स्मेल, इरीटेशन और साथ में ईचिंगनेस की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वॉशरूम जाएं, यूरिन पास ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके वो बिल्कुल भी बॉडी में ना रहे और आपको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अच्छे से अपने अपनी बॉडी को, अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करें, अपने वजाइना को, देन उसके बाद उसको पैड ड्राई करें टॉवल से, देन उसके बाद आप पैंटी वेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप इस तरह से हाइजीन मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ना ही स्मेल प्रॉब्लम होगी, ना ही ईचिंग होगी, ना ही आपको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान हमने ज़रूर रखना है कि हमने इंटरकोर्स के बाद पी करना है, मतलब वॉशरूम जाना है, ठीक है, देन उसके बाद वॉश करना है। इसके साथ साथ आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स है कि हम अपने वजाइना को नेचुरली टाइट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद में हमारा वजाइना बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और एक एज करने पर भी हमारी स्किन सैग करने लगती है, लूज हो जाती है, उसकी नेचुरल जो टाइटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि हम अपनी आफ्टर जो लाइफ होती है, सेक्स लाइफ, उसको इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो और ज़्यादा कमेंट चाहते हैं करना, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आप और भी लोग चाहते हैं इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आऊंगी। इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब हम अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन कैसे करें, और इसके लिए मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो दावा करते हैं कि आप अपने प्राइवेट एरिया पे इसको अप्लाई करें और आपका स्किन वहां का लाइटन हो जाएगा। लेकिन प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को लाइटन तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपके जो इंटरनली अगर वो पार्ट में चले गए तो आप बहुत तरह की प्रेगनेंसी रिलेटेड या इन्फेक्शन या फिर कोई भी बहुत बड़ा कैंसर आपको हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है, जो भी स्किन टोन हमारा होता है बाकी बॉडी का, लेकिन जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वो नेचुरल स्किन से डार्क होता ही होता है, क्योंकि वहां पर वो स्किन ब्रीथ नहीं ले पाती है, स्वेट एक्सेस होता है, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। तो प्लीज उसके ऊपर गोरा करने के लिए उसको कुछ तरह तरह की बेकार में किसी के सजेशन में आके या एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होके प्लीज कुछ अप्लाई ना करें। आपकी सेफ्टी सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। मेरा काम था समझाना, आपके क्वेश्चंस का आंसर देना, जो मैंने इस कंप्लीट वीडियो में किया है, बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये Q&A सेशन बहुत पसंद आया होगा जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड था। ऐसी कुछ आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कमेंट करना है, आपको अपना जो भी प्रायोरिटी पर वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज़ उस बताएं, और ये वाला वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra। यूँ ही प्यार देते रहें अपनी ईशा को, ईशा मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।